हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिटी टेक्स। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल फॉर एवरीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम में 90+ मार्क स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड हाँ, इसके सॉल्यूशन PDF एंड कुछ इंपॉर्टेंट PDF नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगी। सो वीडियो पूरा एंड अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम लेवल। मैंने इसमें आपको 3 ईयर्स के प्रीवियस पेपर आपको इसमें एनालाइज करके क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसे मैंने बताया है। सो अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आपके एग्जाम में 80+ मार्क स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस लिटरेसी विथ और वित्तीय साक्षरता की अवधारणा का वर्णन करें। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फाइनेंस, वित्त के अध्ययन का महत्व बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडरस्टैंड द वेरियस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक विधि योग्यताओं को समझाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नो द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस दे प्रोवाइडेड, वित्तीय संस्थानों की अवधारणा को जाने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन करें। आपको इसकी PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड है, वहाँ से आप ज्वाइन होइए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। एंड इसकी सॉल्यूशन PDF भी आपको वहाँ से प्रोवाइड होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन होइए। एंड इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम लेवल हैं, अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आएंगे आप उसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। पहला हमारा निफ्टी है, दूसरा है IMPS, थर्ड है हमारा FPO, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। एंड उसमें नोट्स में मैंने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराया है। फोर्थ है हमारा एंडोमेंट ऑफ पॉलिसी, फिफ्थ है द फेडरल रिजर्व, सिक्स्थ है इंटरेस्ट प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, IPB, POS के बारे में आपको फुल डिटेल्स देने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क स्कोर करना है तो 3 ईयर्स के प्रीवियस पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, बट आप पेपर के पैटर्न को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। एंड हाँ, सारे क्वेश्चन में आप हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज लिख के जाइए एंड आंसर को बहुत अच्छे से लिखे। अगर लॉन्ग दिया है तो 203 पेज आराम से लिख के जाइए। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 2 से 3 पेज या 3 साढ़े 3 पेज आराम से लिखे, उसमें हेडिंग वाइज पॉइंट कॉन्क्लूजन राइटर के अनुसार इतना अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, डू यू थिंक दैट द वाइल परफॉर्मिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन सम स्टेप्स बी केप्ट इन माइंड एक्सप्लेन इट, क्या आपको लगता है कि डिजिटल लेन देन करते समय कुछ चरणों को ध्यान में रखना चाहिए, समझाइए। आपको डिजिटल में जो भी हमारा नेट बैंकिंग की तरफ से जो पैसे हमें ट्रांसफर करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बतानी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार की जाती है, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य और महत्व को लिखिए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एक्सप्लेन द डिटेल्स बजटिंग एंड प्लानिंग एंड इस प्रोसेस, बजट के योजना और इसके प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंडरस्टैंड डिस्क्यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस बैंकिंग के बारे में बतानी है आपको, बैंक के विभिन्न प्रकार की सेवाओं को समझाइए और उन्हें अंतर बताना है। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा दिया हुआ है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग पेंशन प्लान एंड फर्दर डिस्क्राइब द EPF आर डिफरेंट एंड PPE के बारे में, PPF के बारे में आपको बताना है कि पेंशन योजना खरीदने के लाभ बताइए और इसमें EP और PPF कैसे अलग अलग है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। तो पेंशन योजना में जितने भी आपके प्रधानमंत्री योजना जितने भी योजनाएं हैं ना उसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड अदरवाइज़ मैंने अपने नोट्स में आपको इंक्लूड किया है, अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया तो डोंट वरी, आपको कोई भी कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया तो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टॉक मार्केट के बारे में बताने कि शेयर मार्केट में की जाने वाले कार्यों को समझाइए। नेक्स्ट इन सारे क्वेश्चंस के आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे नोट्स एंड आंसर्स भी, तो अगर आपने उसे परचेज कर लिया तो वहाँ से आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। एंड वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताएगा, लाइक एंड शेयर करने नहीं भूलेगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और सब्जी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वो प्रेड कोर्स से ज़रूर ज्वाइन करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।